अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे से खूबसूरत सिंपल बेबीज गर्ल्स के लिए कुर्ता डिज़ाइनिंग आइडियाज़, समर सीज़न के लिए भी और ईद के लिए भी। लॉन कॉटन की अगर आप कुर्ता बनाना चाहती हैं बेबीज़ के लिए इस तरह के, तो इनमें लेसिस और तारकशी भी आप कर सकती हैं। ज्वाइंट लेस मार्केट में मिलती है, वो भी लगा सकती हैं। इसी तरह गोटा वर्क, मिरर वर्क की भी आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फैब्रिक लेकर इस तरह का एक सिंपल सा कुर्ता बनाएं। चाहे तो आप स्लीव राउंड शेप वाले लगाएं या बैगी लगाएं, यानी एल शेप के, दोनों तरह से ये कुर्ता बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनके साथ आप शलवार, ट्राउज़र पैंट, सिगरेट पैंट, शरारा, गरारा और चूड़ीदार, जो भी आपको अच्छा लगता है पहना सकती हैं। और इस तरह के स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ता पहने हुए बेबीज़ पर बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे लेडीज़ आजकल इस तरह के कुर्ते को पहनना पसंद करती हैं, सेम इसी तरह बेबीज़ पर भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ लेडीज़ सिंपल लॉन लेकर उस पर एम्ब्रॉयडरी करवा लेती हैं मशीन की मदद से या हाथ की मदद से, या फिर लेसिस की मदद से भी आप उसमें इस तरह की डिज़ाइनिंग करें कि दूर से महसूस हो कि एम्ब्रॉयडरी करवाई गई है। और अगर आपने स्टाइलिश बनाने हैं, फैंसी बनवाने हैं या बनाने हैं, तो आप उसमें गोटा वर्क, मिरर वर्क की खुद भी एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं या किसी भी एक्सपर्ट से करवा सकती हैं। आजकल तो हर जगह पर बनी बनाई लेसिस बहुत प्यारी प्यारी आई हुई हैं, वो भी आप नीडल की मदद से, हाथ की मदद से लगा सकती हैं। और इसी तरह के कुर्ता स्टाइल जो मुख्तलिफ अंदाज में स्टिच होता है, इसकी कटिंग स्टिचिंग आप हमारे चैनल में जाकर देखें, बहुत सारी वीडियोज़ हैं अपलोड हो चुकी हैं बेबीज गर्ल्स के लिए कुर्ता स्टाइल। आपको देखने के बाद बहुत ईजी मेथड लगेगा, क्योंकि इनको स्टिच करना बहुत ईजी है, बिल्कुल आसान। राउंड सा आप जो नेक लाइन बनाएं, स्लीव लगाएं और स्ट्रेट सा कुर्ता, इसकी मुड़ाई करना नीटनेस के साथ, तो आपके लिए बहुत ईजी है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में स्टिच हो जाएगा। और इसी के साथ सेम शलवार या कंट्रास्ट या कलर कॉम्बिनेशन या फैंसी लुक देना चाहती है, वो आप पर डिपेंड करता है। आप एक बार जब वीडियो में इनकी कटिंग स्टिचिंग देखेंगी, आप खुद कहेंगी वाकई ही खुशी मकबूल ने बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया बताया।